जाति के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हल्ला बोल। अब हार्वर्ड में जातिवाद किया तो खैर नहीं, दुनिया भर में जातिवादियों की थुथू। जिस तरह से भारत के सवर्णों ने दुनिया भर में जातिवाद की बीमारी को फैलाया है, उससे अब पूरी दुनिया परेशान हो गई है। यही वजह है कि एक के बाद एक दुनिया के तमाम मुल्कों में एंटी कास्ट लॉ बन रहे हैं। ताजा खबर अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से आई है। हार्वर्ड ने अपनी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी में कास्ट को भी शामिल कर लिया है। साधारण भाषा में इसका मतलब ये है कि अब अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में कोई छात्र, स्कॉलर, टीचर या प्रशासन का कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो ये एक दंडनीय अपराध होगा। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की ओर से शेयर किए गए नोटिस में लिखा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने यहाँ शिक्षा और रोजगार में समानता के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे यहाँ उम्र, नस्ल, रंग, राष्ट्रीयता, सेक्स, धर्म, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जाति आदि के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी और दंडनीय अपराध होगा। यानी अब अगर किसी भी जातिवादी ने अपनी घटिया मानसिकता का दिखावा किया और वहाँ किसी भी दलित बैकग्राउंड के व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें यूनिवर्सिटी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए और उन पर केस भी चले। अमेरिका में तेजी से बढ़ते जातिवाद को देखते हुए एक के बाद एक एंटी कास्ट पॉलिसी और कानून बनाए जा रहे हैं। अमेरिका की करीब 24 यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में जाति के आधार पर भेदभाव को बैन कर चुकी हैं। इससे पहले कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में भी ऐसी पॉलिसी घोषित हो चुकी है। बड़ी बात ये भी है कि अब अमेरिका जाति पर सिर्फ बात नहीं कर रहा बल्कि उस पर कानून भी बना रहा है। अमेरिका में जातिवाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका की सिएटल सिटी काउंसिल में तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एंटी कास्ट लॉ कानून पास हो चुका है। वहाँ की सांसद समा सावंत ने इस पर एक बिल लाया था जिसे बहुमत के साथ पारित कर दिया गया और अब सिएटल सिटी में किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करने को गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। अब अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में भी जातिवाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी हो रही है। जल्द ही अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में एंटी कास्ट लॉ बन सकता है जिसके बाद जाति के आधार पर किसी से भी भेदभाव करना गैर कानूनी घोषित हो जाएगा। दरअसल कैलिफोर्निया स्टेट सीनेटर आयशा वहाब ने राज्य की विधानसभा में एंटी कास्ट बिल पेश किया था। बुधवार को पेश किए गए इस बिल में जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की गई। इस कानून में नस्ल, जेंडर और फिजिकली डिसेबिलिटी आदि की तरह जाति को भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने का प्रावधान है। यानी जैसे अमेरिका में नस्ल के आधार पर ब्लैक्स के साथ भेदभाव करना दंडनीय अपराध है, वैसे ही अब जाति के आधार पर भेदभाव करना भी गैर कानूनी हो सकता है। अगर ये बिल पास हो गया तो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला राज्य होगा जहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर पूरी तरह से बैन होगा। I'm honored to announce SB 403, ending discrimination on the basis of caste, a civil rights bill. यानी वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका में भी जातिवाद करने वालों की खैर नहीं होगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भविष्यवाणी की थी, भारत के सवर्ण दुनिया में जहां भी जाएंगे वो जाति की बीमारी को साथ ले जाएंगे और फिर जाति एक वैश्विक समस्या बन जाएगी। और उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई और जातिवादियों ने जाति का ये वायरस पूरी दुनिया में फैला दिया। लेकिन अब दुनिया भर में बसे अम्बेडकरवादी कास्ट नाम के वायरस की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कदम एंटी कास्ट मूवमेंट में बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर लिखें। आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट के जरिए जाहिर करें ताकि हम तक पहुंच सके। आपसे अपील है कि अगर आप अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं। UPI और अकाउंट्स में भी आप हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमें सोशल मीडिया के सभी हैंडल्स पर फॉलो करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।